अभी तक हमने इस चैप्टर में ये सीखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और किसी कंडक्टर से पास करने वाला जो करंट है वो क्या होता है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हमने समझा है, दोनों का डिफिनेशन समझा है ना। अब हम जानना चाहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या कोई रिलेशन होता है। अगर वो रिलेशन होता है तो उसको हम लोग फाइंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, है ना। और वो जो रिलेशन है, वो जो रिलेशन आता है, वो एक्चुअली में उसको ओम्स लॉ कहा जाता है। ओम्स लॉ क्या बताता है? इट रिलेट्स द करंट थ्रू अ कंडक्टर विथ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। जो कंडक्टर है जिसे करंट फ्लो कर रहा है ना, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको उससे पास करने वाले करंट से रिलेट करता है ये जो लॉ है। तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी जो है, ये एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी दिया हुआ है। इसमें क्या है, आप देखेंगे एक सर्किट बनाया गया है। ये सर्किट मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, ये सेम सर्किट था। इसमें क्या है कि चार बैटरी दिखाए गए हैं, है ना। एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, एक्चुअली में एक कंडक्टर है, निक्रोम, है ना। निक्रोम जो है एक कंडक्टर होता है ना। ये वायर है, निक्रोम वायर है एक्चुअली में। इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया है। वोल्ट मीटर क्या बताता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। और यहां पर देखेंगे एक एमीटर लगाया गया। एमीटर क्या बताएगा, यहां से जो करंट जा रहा होगा बैटरी से होकर के, उस करंट को बताएगा। वोल्ट मीटर जो है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं ये आइडियल वोल्ट मीटर है, तो सारा करंट जो है वो इसी सर्किट में जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाता है, ठीक है। तो सारा करंट, ये जो यहां जो करंट आएगा वो एक्चुअली में उतना ही करंट इस निक्रोम कंडक्टर से होकर के जा रहा होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बैटरी है, सारे बैटरी एक साथ में नहीं लगाते, बारी बारी से कभी एक बैटरी लगाएंगे, कभी दो बैटरी लगाएंगे, कभी तीन, कभी चार, ऐसे बैटरी का जो नंबर है वो हम चेंज करते हैं, है ना, चेंज करते हैं। और चेंज करने से इसमें करंट फ्लो कराता है, ठीक है। स्विच जो है, स्विच को ऑन करेंगे और जो इसमें करंट फ्लो करेगा, मतलब कि जो एमीटर की जो रीडिंग होगी उसको स्टेबल में रखेंगे। यहां पर करंट थ्रू निक्रोम वायर, इसकी रीडिंग को इसमें डालेंगे। यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा, है ना। तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग, यानी कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉलम में रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निक्रोम वायर, ठीक है। फिर इनका रेशियो भी निकालेंगे, मतलब इस वोल्ट मीटर का रीडिंग वी आएगा, एमीटर का रीडिंग आई आएगा, फिर इनका रेशियो निकालेंगे। यहां पर देखेंगे चार हमने छोटे छोटे यहां पर रोज बनाए हुए हैं, एक दो तीन चार। तो क्या करेंगे, बारी बारी से पहले हम लोग एक बैटरी यूज करेंगे केवल, फिर दो बैटरी यूज करके ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है इसको रिपीट करना है ना। पहले जैसे एक बैटरी रखा, एक बैटरी यूज करके स्विच को ऑन कर दिया, है ना। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा, एमीटर की रीडिंग मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग मेजर करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे इसमें, ठीक। फिर दो बैटरी रखेंगे यहां पर, दो बैटरी मतलब यूज करेंगे, बाकी दो बैटरी हम लोग अलग रखेंगे उसको। तो दो बैटरी रख के फिर से यही एक्टिविटी जो है उसको रिपीट करना है, मतलब दो बैटरी को जोड़ा, स्विच ऑन किया, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग यहां पर डालेंगे, एमीटर की रीडिंग यहां पर डालेंगे, फिर उनका रेशियो निकालेंगे यहां पर। फिर उस तरह से तीन बैटरी रखेंगे, चार बैटरी रखेंगे, चारों के साथ में भी यही सारी एक्टिविटी रिपीट करना है ना। तो जब आप देखेंगे इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखता है कि V बाई आई रेशियो जो है यहां पर चारों में सेम आता है। थोड़ा बहुत इधर आ सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने में कई सारे रीडिंग जो है हम लोग थोड़ा उल्टा उल्टा लेते हैं, कई तरह के एरर आते हैं रीडिंग में, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना। लेकिन अगर एक्यूरेट, अगर सारे इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रीडिंग बता रहे हो तो रेशियो एग्जैक्टली सेम आएगा चारों केस में, है ना। तो चारों केस में सेम रीडिंग आने का मतलब यह हुआ कि V बाई आई जो है वो कांस्टेंट है, रेशियो कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर V और I इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब x एक्सिस पर करंट, मतलब एमीटर की रीडिंग यहां पर रखा है, वोल्ट मीटर की रीडिंग यहां रखा है, ठीक है। तो चूंकि चार बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है तो फोर पॉइंट्स आएंगे V और I का, फिर V I यहां पर, V I यहां पर, ऐसे चार पॉइंट्स मिलेंगे। x एक्सिस पर हम लोग ये वाला पॉइंट इसकी वैल्यू रखेंगे करंट की, और वाई एक्सिस पर वोल्ट मीटर के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। तो ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जैसे सपोज यहां पर करंट आया है I1, है ना,
यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आया वी वन, तो आई वन करेंट और वी वन पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। अगली बार में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे दो बैटरी के साथ में, तो करंट की रीडिंग I2 हो गई, वोल्टेज की रीडिंग V2 हो गई, तो V2 और I2 का जो है एक पॉइंट आएगा, I2 करंट और V2 वोल्टेज के सामने एक पॉइंट आएगा, ये है ना। तो वैसे ही चार बार हम लोग प्लॉट करेंगे, चार पॉइंट्स आएंगे, I3 V3 I4 V4, ये चार पॉइंट आएंगे। जब आप चारों को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो रेशियो यहां पर एक्चुअली में इस लाइन का स्लोप बताता है ना, इस लाइन का स्लोप बताता है। तो यहां से ये समझ में आता है, फॉर ईच केस रेशियो वी बाई आई रिमेन सेम, दैट मीन्स वी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर, है ना। मतलब ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। जो निक्रोम कंडक्टर हमने यूज किया है, जो निक्रोम वायर हमने यूज किया है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो इस कांस्टेंट के, इस रेशियो के इक्वल आता है ना। तो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ है उससे, या जो रेशियो आया है कांस्टेंट आया है, उससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो वी है, वी उसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू आर, यहां पर R कांस्टेंट है, ऐसे लिख सकते हैं। R चूंकि कांस्टेंट है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि अगर करंट को मैं डबल करूंगा तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, क्योंकि R तो चेंज ही नहीं होना है। अगर करंट को मैं ट्रिपल करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ट्रिपल हो जाएगा उस निक्रोम वायर के क्रॉस। तो यहां से समझ में आया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी रेजिस्टर के क्रॉस या वायर के क्रॉस, वो जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओम्स लॉ यही बताता है, क्या बताता है, फॉर अ गिवन कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कि रेजिस्टर एक तरह से, है ना, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, फॉर अ गिवन कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उस कंडक्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं, सिंबल दिखाते हैं, एक्चुअली में कंडक्टर कुछ वैसा होगा वायर जैसा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से आई करंट जा रहा हो और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो वी, है ना, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। मतलब इसे दो एंड पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, है ना। तो करंट जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि R फिक्स्ड है। अगर I को मैं डबल कर दूंगा तो ये पूरा टर्म ये डबल हो जाएगा, तो ये V भी डबल हो जाएगा, है ना। तो ये बताता है ओम्स लॉ। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली में क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो, है ना। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस का जो यूनिट यहां से आप देखेंगे तो ये आएगा वोल्ट पर एम्पियर, ये आएगा, और इसको ओम में भी कहा जाता है। आर जो है एक्चुअली में ये इसका यूनिट हो गया, है ना, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का एक और यूनिट आता है जिसको यूज किया जाता है, एक्चुअली वोल्ट पर एम्पियर यूज नहीं किया जाता, यूज कौन सा किया जाता है, एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है ओम, ओम प्रोनाउंस करते हैं, और उसका सिंबल जो है ऐसे इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का, जैसे यहां पर निक्रोम वायर लिया था हमने, तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस कंडक्टर में ऐसा क्या चीज है जिसको चेंज करने से ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, वो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो हम लोग अपने घरों में कई तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को यूज करते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जैसे कोई फैन है, जैसे कोई टीवी है ना, या कोई बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलता है, ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं, है ना। तो किस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी देखेंगे, है ना। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर देखेंगे एक सर्किट बनाया गया है जिसमें तीन बैटरी है,
यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। यहाँ पर एक स्विच है ना, ए और बी जो है ये ओपन सर्किट है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने तीन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट लिया है, एक लिया है निक्रोम वायर ये, और दूसरा लिया है 10 वाट बल्ब, और तीसरा लिया है बहुत ही छोटा सा बल्ब है जो टॉर्च में यूज किया जाता है, टॉर्च बल्ब है ना। तो इन तीनों को बारी बारी से ए और बी के बीच में जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने से इस एमीटर की जो रीडिंग आएगी उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो देखेंगे कि तीनों ही केस में जो है ये बैटरी तो इक्वल है, सेम बैटरी लगाया गया है, जबकि करंट जो है वो डिफरेंट आएगा, है ना। कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, केवल यहां पर इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स चेंज होने से क्या हो रहा है, करंट चेंज हो जा रहा है ना। तो करंट क्यों चेंज हो रहा है ये हमें समझना है, क्योंकि हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा कि जो वी होता है वो आई इंटू आर होता है। हमने यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है, ये तो हमने सेम रखा हुआ है। अगर करंट चेंज हो रहा है इसका मतलब कि ये आर जो है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक। वो क्यों चेंज होता है इसको समझने के लिए यहां पर मैंने लिखा है ना। एक्चुअली में क्या है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि ये निक्रोम वायर है, इसके अंदर भी एक्चुअली में वायर्स ही होते हैं, फिलामेंट जो होता है वो एक वायर से ही बना होता है। तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, तो उनके मोशन में कोई ना कोई रेजिस्टेंस आता है उनका, वो भी बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जब चलते हैं तो जो बीच में एटम्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, कई बार क्या होता है उनका कोलिजन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे एटम से कोलिजन होता है ना। तो कोलिजन होता है तो क्या होता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी वो लूज करते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में बाहर जाता है, ठीक। तो एक्चुअली में जिस मटेरियल के अंदर जितने ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोलिजन होंगे उतना ही ज्यादा वो एनर्जी लूज करेगा, यानी उसके मोशन में उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, और इसलिए कह सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें कोलिजन्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि वी हमने सेम रखा है ना। ऐसे कह सकते हैं कि जो आई है वो वी बाई आर लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको फिक्स्ड रखूं, है ना, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है बैटरी का, उसको फिक्स्ड रखूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घट जाएगा, ठीक। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनमें कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनमें बहुत कम रेजिस्टेंस आता है, बहुत कोलिजन कम होते हैं, है ना, उतने ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोलिजन्स नहीं होते, तो उसमें एनर्जी लॉस भी कम होती है, तो उसमें रेजिस्टेंस नाम मात्र का होता है, ठीक। तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, है ना। तो कंडक्टर बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस उसमें भी होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, मतलब इतना कम होता है उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उनको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें कुछ जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टॉलरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना। तो वैसे जो मटेरियल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर, मतलब करंट तो फ्लो करेगा लेकिन कम फ्लो करता है, ठीक। और कुछ वैसे मटेरियल होते हैं जिनमें बहुत फ्रिक्वेंटली कोलिजन्स होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है ना। तो ये कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट बहुत ही कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं जो मैंने लिखा है, उसको क्या लिखा है, करंट इन एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब जैसे तीन कंपोनेंट लिए थे हमने, निक्रोम वायर, 10 वाट बल्ब और टॉर्च बल्ब, ये तीन कंपोनेंट थे। तो करंट इन एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव इन साइड द इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स, मतलब ये तीनों जो है डिफरेंट है, ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंस,
तीनों जो है अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी में ज्यादा कोलिजन होता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, किसी में कम कोलिजन होता है तो कम रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो ये कहता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंसेज टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट हैविंग वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट ऑफ सेम साइज, मतलब जो कंडक्टर का साइज लिया था हमने, साइज उतना है, सब कुछ सेम है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है, तो उसमें जो है अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ गया है, मतलब पहले वाले से ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो उसको हम लोग पुअर कंडक्टर कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट ऑफ सेम साइज हैविंग अप्रेसिबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर एंड कॉल्ड इंसुलेटर इफ इट इज हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, है ना। मतलब ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, उसमें करंट बहुत ही कम फ्लो करता है, तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक।